हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, इसे कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, लेट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर। मान लिए कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है। नाउ रूट फाइव इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर पी क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ माने हैं रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, जहाँ पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ को प्राइम क्या है, तो को प्राइम की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, बट यहाँ आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं कि को प्राइम क्या होते हैं। मान लीजिए कि थ्री और फाइव को लेते हैं, थ्री फाइव को डिवाइड नहीं कर सकता है और फाइव थ्री को डिवाइड नहीं कर सकता है, बट एक नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो आपका क्या है, वन है। वन थ्री को भी डिवाइड कर सकता है और फाइव को भी डिवाइड कर सकता है, तो ये होते हैं आपके को प्राइम नंबर। एक नंबर और लेते हैं, यहाँ देखिए फोर कोमा नाइन, फोर नाइन को डिवाइड नहीं कर सकता है और नाइन फोर को डिवाइड नहीं कर सकता है, बट एक नंबर जो है ये जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, यही होते हैं आपके को प्राइम नंबर। क्लियर। अब यहाँ देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बट्टा क्यू का होल स्क्वायर। रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, यानी फाइव इक्वल टू पी स्क्वायर बटा में क्या होगा, क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ बटा में क्या हो जाएगा, फाइव, क्योंकि ये डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं पी स्क्वायर इज डिजिबल बाय फाइव, यानी पी स्क्वायर पाँच से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि पी इज ऑल्सो डिजिबल बाई फाइव, तो पी भी तो पाँच से विभाज्य हो जाएगा। देखिए यहाँ समझाते हैं, मान लीजिए कि एट बाई एट, यहाँ पी का मान अगर एट हो तो एट से डिवाइड नहीं हो जाएगा, अगर इसको एट का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ बटा में एट लिख देते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एट का स्क्वायर क्या होता है, सिक्सटी फोर, और बटा में क्या है, एट है। अब डिवाइड करेंगे तो एट एट जा कितना होता है, सिक्सटी फोर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर पाँच से विभाज्य है, तो क्या हो जाएगा, पी भी पाँच से विभाज्य हो जाएगा। अब एक संख्या को मान लेते हैं और जैसे इधर किए हैं ठीक वैसा ही उधर कॉपी पेस्ट करते हैं। क्लियर। यहाँ देखिए, लेट पी बराबर फाइव एम फोर सम इंट्रीजर, यानी मान लिए कि पी बराबर फाइव एम, रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू, तो यहाँ पी का मान कितना रखना है, फाइव एम, फाइव एम। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइव एम बटा क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर।
तो रूट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, फाइव आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा फाइव का स्क्वायर करेंगे तो 25m². और यहाँ देखिए क्या होगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5q² = 25m². अब यहाँ क्या करते हैं, q² = 25m², अब बटा में कितना 5, और 5 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 5 5 = 25, यानी q² = 5m². देखिए क्यू स्क्वायर है और 5 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा बटा में, और यहाँ हो जाएगा m². यहाँ देखिए दोनों बराबर आ गए, p² 5 से विभाज्य है, q² 5 से विभाज्य है। हम माने क्या थे कि पी क्यू को प्राइम, तो को प्राइम क्या होता है कि केवल एक से डिवाइड होता है, बट यहां क्या कर रहा है, यहां तो 5p² को भी डिवाइड कर दिया और यहां 5q² को भी डिवाइड कर दिया, तो हमारा मानना जो है वो गलत है। हम जो माने थे कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या हुआ, गलत हो गया। अब वो क्या है, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह हमारा सिद्ध हो गया, क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप बहुत सारे नंबर को प्रूव कर सकते हैं इस विधि द्वारा, ऐसा ही आप बनाएंगे। तो इस तरह आपको अध्ययन करना है और बेहतर शिक्षा प्राप्त करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।